हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर्स में। आज हम देखेंगे बेलारूस, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है और एग्जिस्ट करती है एज अ बफर स्टेट बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज और रसिया के बीच। तो जब ये मॉस्को के इतने नजदीक है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है यूरोपियन कंट्री को और स्पेशली रसिया को, जो की मेजर पावर बनना चाहती है इन वर्ल्ड में और अभी सेकेंड मेजर पावर है, अगर आप चाइना के साथ क्लब करके देखें तो। और इसके साथ यूएसए, जो कि बहुत ही ज्यादा उनका जो अपोजिशन है उनको सपोर्ट करते आई है बहुत पहले से, और इसके क्या कारण है कि ये कंट्री बार बार इस तरह के इंटरनेशनल क्राइसिस में जाती है और इंटरनल प्रॉब्लम्स, जो वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी इसकी इशू है, वो हमेशा राइज हो जाती है। इसके साथ हम देखेंगे कि इसका यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाले दिनों में, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। सो आइए देखते हैं डिटेल। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस न्यूज में, एक्चुअली एक अमेरिकन न्यूज चैनल है, इसने इसे वाइडली कवर कर रहे हैं और इसमें यह दिखाया गया है कि बेलारूस में जो वेदरिंग क्रैकडाउन्स चल रहा है, इसके कारण अपोजिशन और उसके कलर्स जो ट्रबल में आ रहे हैं, वो हमें बहुत डिटेल में देखना होगा, क्योंकि वहां की जो 50% जनता है दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने के साथ वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सड़कों पे आ रहे हैं और सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि वहां पे सिविल वॉर हो सकता है, गृह युद्ध की संभावना बहुत ही ज्यादा वहां पे बनते जा रही है। ऐसा वो लोग करने के लिए उन्होंने कुछ यूनिक स्टाइल अपनाए हैं, जैसे व्हाइट और ब्लैक कलर वो लोग ज्यादा वेयर करते हैं, ताकि गवर्नमेंट अवेयर हो सके कि ये प्रोटेस्टर्स हैं और वो आ रहे हैं, और ये ज्यादातर पीसफुल फॉर्म में होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे बहुत ही एग्रेसिव भी दबाने की कोशिश की है, जिसके कारण ये सारी चीजें क्रिएट ना हो। आपको अगर बेलारूस का एग्जैक्टली सिचुएशन समझना है, तो आपको उसकी थोड़ी हिस्ट्री जाननी होगी। उनके जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर, एक्चुअली में वो पहले प्रेसिडेंट बने बेलारूस के और वही अभी तक हैं। तो धीरे धीरे वो जब वो इंडिपेंडेंट हुआ था बेलारूस सोवियत से, तो इंडिपेंडेंट होने के बाद उन्होंने अपना कंट्री बनानी चाहिए, बट बाकी सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जगह बेलारूस ने चुना कि वो ज्यादातर फॉलो करेंगे रसिया को। और अभी कुछ दिनों पहले ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने रशियन फ्लैग फहराया था, और रशियन फ्लैग राइज करने के साथ जो बेलारूस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये भी इच्छा जाहिर की थी कि वो रसिया में शामिल हो सकते हैं। तो अगर आप मॉस्को को कंपेयर करो बेलारूस से, तो वो काफी नजदीक है, रसिया के काफी नजदीक है बेलारूस। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो रसिया को एक ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएगा। मान लीजिए अगर रसिया यहाँ पे है और बेलारूस यहाँ पे है, तो यूरोपियन कंट्रीज इस तरफ आते हैं, तो अगर कभी हमला होता है तो बेलारूस एक वाल की तरह काम करेगा रसिया के लिए, बफर स्टेट हम इसी को बोलते हैं। और अगर ऐसा कुछ होने के बाद रसिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेलारूस, कि वो अपने अंडर रखे बेलारूस को और अपने हिसाब से उसे काम कराए, और यहाँ पे वही हो रहा है, अलेक्जेंडर एक पपेट की तरह व्लादिमीर पुटिन के काम करते हैं, और ऐसा करने से व्लादिमीर पुटिन का बहुत सारा काम सुलझ जाएगा अगर सच में बेलारूस रसिया को ज्वाइन कर लेता है। फिलहाल ये तो एक हाइपोथेटिकल न्यूज है, जो कि शायद प्रूव हो सकता हो, और जितनी रिपोर्ट्स पहले आई है, फिलहाल ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज आप जानते हैं कि 50% जो वहां की पॉपुलेशन है वो अगेंस्ट है अपने प्रेसिडेंट के, और वो चाहती है कि वो उनसे दूर हट जाए। अब आगे हम इसमें देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं बेलारूस को वर्ल्ड मैप में, और वर्ल्ड मैप में हमें देखने में पता चलेगा कि आखिरकार बेलारूस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए, और स्पेशली यूरोपियन यूनियन के लिए, रसिया के लिए और यूएसए के लिए। रसिया जो कि यहाँ एग्जिस्ट करता है, और मॉस्को यहाँ से इजिली ऑपरेट कर सकता है बेलारूस को, और आप यूएसए देख सकते हैं, यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट ये इसीलिए है बिकॉज यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं वो एलाइज हैं यूएसए के, और एलाइज होने के साथ यूएसए हमेशा उन कंट्रीज को ऑपरेट और प्रोटेक्ट करता है कुछ मामलों में, जिससे कि वो वहां की सॉवरेनिटी बने रहे। अब अगर रसिया बेलारूस के ऊपर पूरी तरह से अपना हक जमाने में कामयाब हो जाता है, तो इससे ये एक बफर स्टेट कहलाएगा, और बफर स्टेट का मतलब ये होता है कि आप एक वॉल क्रिएट करते हो अगेंस्ट एनिमी स्टेट, आपकी जो एनिमी स्टेट है उसके खिलाफ। और जब आप दुश्मन के लिए यहाँ पे वॉल क्रिएट कर रहे हो, तो आपके ऊपर जल्दी अटैक नहीं होगा, आप यहां से हमला कर सकते हो दूसरी कंट्रीज के ऊपर, जैसे कि इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज हो गए जिसके खिलाफ रसिया कभी कभी एक्ट करता है। तो ऐसा करने के बाद उनका बेलारूस पे अगर उनका पूरा कब्जा हो जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्कटिक ओशियन को भी वो लोग इजिली इस साइड में ऑपरेट कर सकते हैं, और इंग्लैंड तक पहुंच सकते हैं, और इवेंचुअली यूएसए भी, और यूएसएस के बेसिस पे आसानी से अटैक किया जा सकता है। सो बेलारूस अगर अपना साइड चेंज करता है और वो रियली में रशिया के अंदर जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा सर्व कंडीशन होगा यूरोपियन यूनियन और यूएसए के लिए। दैट इज द रीजन वहां के जो बेलारूसियन कम्युनिटी है और यूरोपियन कम्युनिटी इसके अगेंस्ट है कि बेलारूस को एक इंडिपेंडेंट और सही कंट्री रहना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में एक डेमोक्रेटिक कंट्री रह के
एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सके और वहां के लोगों के लिए पीसफुल हो सके और उनकी आसपास की जो कंट्रीज हैं वो भी स्टेबल रह सके लंबे तक समय तक। अब ये प्रॉब्लम न्यूज में ज्यादा क्यों है अभी हमें ये समझना होगा। जब वो प्लेन का हादसा हुआ था उसके बाद बेलारूस के जो लोग थे वो अचानक से सड़कों पे उतर आए और उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट वहां की जो पुलिस थी उन्होंने पेट्रोलिंग करने के साथ लीथल फोर्स का यूज किया, और जब इस लीथल फोर्स का यूज किया तो वहां के प्रोटेस्टर्स भी थोड़े बहुत भड़क गए और उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट और भी ज्यादा नारेबाजी शुरू कर दी, और ये ऑल ओवर द कंट्री बेलारूस में शुरू हो गई। ऐसा शुरू होते ही अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक ऑर्डर जारी किया और उस ऑर्डर के तहत उन्होंने इमरजेंसी जैसी सिचुएशन वहां पे क्रिएट कर दी। अब ऐसा होते ही वहां के बहुत सारे लोग जेल्स में गए, वोमेन्स को रेप किया गया और ब्रूटली लोगों को मारा गया। ऐसा होते ही वर्ल्ड कम्युनिटी ने उसके ऊपर रिएक्शन करना शुरू किया, बट वो लोग तब तक बोल रहे थे कि पिछले वीक तक कि ये बेलारूस का इंटरनल प्रॉब्लम है तो हमें इससे डील नहीं करना चाहिए, हमें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। बट रिसेंट में बेलारूस के पीपल ने ये रिक्वेस्ट किया वर्ल्ड कम्युनिटी से कि आप इंटरवीन कीजिए, वर्ल्ड प्रेशर जब पड़ेगा तो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है और वहां के जो रूल्स हैं वहां पे चेंज होंगे और शायद प्रेसिडेंट भी वहां पे चेंज किया जा सके और न्यू इलेक्शन डेमोक्रेटिक वे से फॉर्म हो सके, क्योंकि उनका कहना है कि जो पुराना जो इलेक्शन हुआ था वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा और वो सही तरीके से नहीं किया गया था। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें ये वीडियो सही तरीके से देखना होगा कि आखिरकार हो क्या रहा है बेलारूस में और प्रॉब्लम शुरू से क्रिएट क्यों हुई है। कुछ दिनों पहले, 2 हफ्ते पहले की बात है, एक प्लेन था जिसे बेलारूस ने स्टॉप कर दिया अनलॉजिकली। उन्होंने उड़ते हुए प्लेन को, जो कि ऑलरेडी वहां से निकल चुकी थी, एक रिपोर्टर को पकड़ने के लिए उन्होंने वहां पे उस प्लेन को थ्रेट दिया। ये है वो रिपोर्टर, आप देख सकते हैं इन्हें क्लियरली। इन्होंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया और टेलीग्राम चैनल बनाने के बाद जब इन्होंने वहां के लिए प्रोटेस्ट शुरू किया डेमोक्रेटिक वे से, तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने जाकर के उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे अरेस्ट 3 साल से नहीं कर पा रहे थे। लास्टली उन्हें इंटेलिजेंस से ये पता चला कि एक्चुअली में वो फ्लाइट से जा रहे हैं, तो जैसे उन्हें वो पता चला उन्होंने बीच रास्ते में प्लेन को वापस बुलाया और अपने कैपिटल सिटी में लैंड करवाने के बाद उस रिपोर्टर को अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद वहां के जो दूसरे पैसेंजर्स थे वो भी बोल रहे हैं कि उन्हें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत ही सर्व रिएक्शन आया उनके खिलाफ और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वहां से प्लेन उड़ाना तक बंद कर दिया। आपने कुछ न्यूज देखा होगा, सारे प्लेन उड़े हैं पर बेलारूस के ऊपर कोई प्लेन नहीं है उनकी कंट्री के ऊपर। तो ऐसा करने के लिए उन्हें टिट फॉर टैट सिचुएशन दिया गया कि अगर आप ऐसा अनएथिकली करते हो तो आपको जवाब दिया जाएगा, और उसके खिलाफ फिर यूरोपियन कंट्रीज ने काफी कुछ बोलना शुरू किया था। आप इस न्यूज में देख सकते हैं, ये सिविल वॉर टाइप का न्यूज है जहां पे लगातार गवर्नमेंट क्रैक डाउन कर रही है, लोग बेहोश हो रहे हैं और लोग कई सारे लोग मारे भी गए हैं, जो कि न्यूज पूरी तरह से वापस नहीं आ पा रही है अभी। तो आखिरकार बेलारूस की जनता चाहती क्या है? बेलारूस की जनता ये चाहती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके लिए अवेयर हो सही तरीके से, और जब वो अवेयर होंगे और वॉइस राइज करेंगे तो वर्ल्ड बेलारूस के साथ जब ज्यादा फील होने लगेगा तो वो लोग और स्ट्रांग फील करेंगे खुद को, उनकी आवाज ज्यादा दूर तक पहुंचेगी। इससे शायद प्रेसिडेंट वहां के जो अलेक्जेंडर है कुछ नए रिफॉर्म्स लाए अपने में और उसे सही तरीके से करने की कोशिश करें, और रशिया भी शायद सॉफ्ट हो जाए उनपे। इन सब के साथ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज वल्नरेबल है, मैंने आपको मैप में दिखाया, वैसे ही इंडिया को, जैसे कि आपने देखा अभी इसराइल के लिए वोटिंग करना पड़ा और उसमें इंडिया ने साइडलाइन न्यूट्रल पोजिशन लिया है, इंडिया और फ्रांस ने और भी बहुत सारी कंट्रीज ने लिया है, तो यहां भी हो सकता है इंडिया को साइड लाइन लेना पड़े। पर वहां पे वही प्रॉब्लम होती है, या तो हमें व्लादिमीर पुतिन रशिया के जो की है और दूसरा यूएसए, हमें एक साइड लेना होगा और हम दोनों ही तरफ अभी बैलेंस करके चल रहे हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस तरह की कोई भी जो रिएक्शन क्रिएट हो रही है इन वर्ल्ड पावर में, मेजर वर्ल्ड पावर में, वहां इंडिया अब एक इंपॉर्टेंट से रखता है। अगर इंडिया वहां पे फिर से न्यूट्रल रहता है
और अपने क्या रिएक्शंस दिखाता है ये आगे देखने की बात होगी. सो लेट्स सी इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन. एंड एट लास्ट थैंक यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू गाइस, बी सेफ.